नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्यसभा से ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए अब यह बिल भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा यह बिल। राज्यसभा में ओबीसी बिल पास कर दिया गया है। ध्वनिमत से राज्यसभा से पास हुआ ओबीसी बिल का लोकसभा से पास हुआ था और अब राज्यसभा से बिल पास हो गया है। बताते चलें कि ओबीसी बिल पास कर दिया गया है, साथ ही राज्यसभा से ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल को पास कर दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अब इस बिल को कल भेजा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा में पहले ही ये बिल पास कर दिया जा चुका है और अब राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पास कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए बिल भेजा जाएगा। ध्वनिमत तरीके से राज्यसभा से पास हुआ है ओबीसी बिल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल लोकसभा से पास हुआ था बिल और अब ओबीसी बिल राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। साथ ही अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल भेजा जाएगा। और इसी बीच लखनऊ की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, जो सीएम योगी ने एक बड़ा खुलासा किया है। साथ ही अब वीकेंड कर्फ्यू में सीएम योगी की तरफ से ढील दे दी गई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू में ढील दे दी है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है और अब शनिवार को भी खुल सकेंगे बाजार। कोरोना संक्रमण में आई गिरावट के चलते यह फैसला लिया गया, जहां सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए बाजार खोले जा सकेंगे। तो वहीं रविवार को अभी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही जो भी कुछ नियम थे कोरोना से जुड़े, वो सभी का पालन करना अभी भी अनिवार्य होगा। हालांकि थोड़ी ढील कोरोना में आई गिरावट के चलते दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां लखनऊ से सामने आई है, सीएम योगी ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी, अब शनिवार को भी बाजार खोले जा सकेंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि बाराबंकी में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष ने रामनगर चौराहे से तहसील तक पैदल मार्च निकाला है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने लोधेश्वर महादेवा मंदिर में श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। और रामनगर प्रत्याशी गणेश शुक्ला, प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सैकड़ों नव युवकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम इस वक्त उमड़ चुका है तहसील के बाहर। और आरक्षण का नाम नहीं ले रहे हैं और 15 से लेकर आज तक दूसरों को आरक्षण नहीं मिला, ये सारी समस्याएं तो है। महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, शोषण से सारे नौकरियां हो रही है, आरक्षण का नाम नहीं ले रहे हैं और 15 से लेकर आज तक दूसरों को आरक्षण नहीं मिला, ये सारी समस्याएं तो है। महिलाओं का लखीमपुर खीरी के मौलानी से पलिया मार्ग पर सड़क हादसे का एक मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों लोग घर से बाहर निकले थे, तभी रास्ते में सड़क हादसा हो गया और वो उसके शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मच गया है। और इसी बीच इटावा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सीएमओ ने 5 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। डॉक्टर ना मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और सीएमओ की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई एटा से सामने आई है। डॉक्टर ना मिलने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने की यह खबर सामने आई है, जो सीएमओ ने 5 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। उत्तम हॉस्पिटल के लाइसेंस निरस्त कर यह कार्रवाई की गई है।
डॉक्टर न मिलने पर ये बड़ी कार्रवाई सीएमओ की तरफ से सामने आई है। अस्पतालों को बंद करवाने के लिए एसएसपी को पत्र लिखा गया, तो वहीं साथ ही आरव हॉस्पिटल हरे कृष्णा हॉस्पिटल पर यह कार्रवाई देखने को मिली। बड़ी खबर इस वक्त की एटा से, मेरा प्लस श्री गिरिराज हॉस्पिटल पर यह कार्रवाई की गई है और इसी के साथ ही सीएमओ ने इन 5 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। उत्तम हॉस्पिटल के लाइसेंस को भी निरस्त किया गया। साथ ही इटावा से ये बड़ी खबर सामने आई है, सीएमओ ने अस्पतालों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। बताते चलें कि कोविड टाइम पर डॉक्टरों के ना मिलने की वजह से ये कार्रवाई की गई है सीएमओ की तरफ से। इस बड़ी लापरवाही को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और डॉक्टर ना मिलने पर 5 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त किए गए। वहीं बाराबंकी जनपद में कृषि कल्याण केंद्र निर्माण में बड़ी धांधली देखने को मिली है, जहां पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बताते चलें कि पूरा मामला बाराबंकी के विकास खंड त्रिवेदी गंज का बताया जा रहा है, जहां पर अलादापुर का है ये मामला, जहां पर कृषि विभाग के द्वारा कृषि कल्याण केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। यहां पर ठेकेदारों की मनमानी की वजह से मानक विहीन निर्माण कार्य चल रहा है। इसी को लेकर वहां के ग्रामीणों ने मीडिया के सामने आते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात भी कही गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर अधिकारी कर्मचारी अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पाई है, तो वहीं अब देखना यह होगा कि क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। ये बनना नहीं चाहिए, नफले पड़े, मैं ये चाहता हूँ। और जो है इसीलिए मैं 200 की सरिया है पढ़ना चाहिए, 3 की पढ़ना चाहिए, 200 के 150 की ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इसको पास नहीं करूँगा। 4 सूट की सरिया पास होने के बाद उसमें 150 की सरिया लग रही है, दीवार में इस तरह अगर हाथ लगाया जाता है तो मसाला सरसरा के नीचे गिरता है। आप दीवार पकड़ करके ऊपर चढ़ नहीं सकते। हम लोगों ने सीढ़ी लगा करके देखा, कई लोग गए वहाँ पे। सबसे मेन बात तो ये है कि जो आज आखिरी स्लैब पड़ रही है उसपे 150 की सरिया जो लगी हुई है, अगर वो बिल्डिंग गिरी तो नीचे से ऊपर से नीचे तक टोटल गिरती जाएगी। मैनपुरी के विकास खंड नवीनगंज क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने हाईवे के समीप रोड किनारे मोटरसाइकिल पार्ट्स की दुकान को अपना शिकार बनाया है। दुकान के ताले काटकर नकदी समेत लगभग 70,000 का माल साफ कर दिया गया। जब दुकान मालिक को इस घटना की जानकारी हुई तो पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम आए जब दुकान पे, दुकान देखी, काउंटर भरार पड़ा था और जैसे ही हमारे देखा शटर उचका तो हमने तुरंत पापा का फोन करा। पापा आए, पापा ने दुकान अभी खोलना नहीं, पापा ने पुलिस वाले आ जाएंगे तब दुकान खोलना। दुकान हमने मुलक के देखा, उसमें सब कुछ गायब हो चुका था। हमने 4 पेटी मूवी रखी है, धोबी चला गया, चैन पॉकेट रखे धोबी चला गया, हॉर्न रखे सब चला गया, मतलब उन्होंने मोटा मोटा सामान सभी निकाल लिया, कुछ रखा नहीं, हल्का सामान रह गया, फोर खेल लिया उन्होंने, जो उनके मतलब लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग 70,000-75,000 रुपए नुकसान है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। कहाँ के निवासी? अरे हमारी दुकान का खटक रुक रहा है रात में, और क्या नाम, 4 पेटी ऑयल की गई है और 20 पैन सॉकेट गए हैं और मोटा मोटा सामान सभी गए। और ये हमारी गोलक है, इसमें करीबन 10,000 रुपए, 100 रुपए रूट डालते थे, इसमें 10,000 रुपए करीबन थे, वो भी ले गए, सारे ले गए। लोग कितना नुकसान हुआ है? करीबन 70,000-75,000 का नुकसान है हमारा। आपका क्या नाम है? सैनुद्दीन। कहाँ के निवासी? और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया और हत्या कर मौके से फरार हो गए हैं। बताते चले एक किसान को गोली मारकर आरोपी बदमाश फरार हो गए हैं। सरेआम इस हत्या की घटना का सामने आना काफी सवाल खड़े करता है। बाइक सवार बदमाश हत्या कर मौके से फरार हो गए हैं। बताते चले पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही दादरी के चक्रसैनपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां सरेआम दिन दहाड़े बदमाशों ने एक किसान को गोली मार दी है।
ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। दिन दहाड़े एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई और साथ ही बदमाश मौके से फरार हो गए। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और मेरठ में 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो वहीं पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। साथ ही बता दें क्षेत्र के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए थाना लाल कुर्ती SHO अंतर सिंह ने नेतृत्व में थाना पुलिस और STF और LIU की टीम बनाकर बेलगामपुर से लेकर लाल कुर्ती बाजार और होटलों में चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने बाजार में घूमने वाले सभी लोगों की चेकिंग की और सभी लोगों से पूछताछ भी की गई। होटल में भी होटल संचालकों के रजिस्टर चेक किए गए, साथ ही रूम चेक किए गए। रूम में रुकने वाले व्यक्तियों के आधार कार्ड तक चेक किए गए हैं। तो वहीं कैंट क्षेत्र के अंदर आर्मी के जवानों ने भी कैंट क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। 15 अगस्त के चलते किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो, उसी के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से साथ साथ आर्मी के जवान भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुस्तैद हो गए हैं। और एटा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के बैनर तले जिलाध्यक्ष शराफत हुसैन के नेतृत्व में स्कूल में फीस को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही स्कूल की फीस जमा कराने को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्कूलों द्वारा फीस लेने की नाराजगी जाहिर करते हुए पढ़ाई न होने पर फीस लेने की बात भी कही गई है। लखीमपुर खीरी में पुलिस को आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने रेप के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, साथ ही आरोपी पर रेप समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। संसद के मॉनसून सेशन में मंगलवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर पीएम मोदी के बाद अब एम वेंकैया नायडू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बता दें कि हम हंगामे के बारे में बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की बेअदबी होने से वो रात भर सो नहीं पाए हैं। कल सदन में जो भी कुछ हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है, इसकी पवित्रता पर आज नहीं आने देना चाहिए। बता दें कि वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि विपक्ष सरकार को मजबूर नहीं कर सकती, सदस्य विरोध कर सकते हैं, लेकिन सभापति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बता नहीं सकते। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता जिस तरह से नष्ट की गई उससे मैं आहत हूं, अपनी पीड़ा बताने या निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो वहीं अब उच्च सदन में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मंगलवार को कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए थे। यही नहीं, बता दें कि बाजवा ने रूल बुक चेयर पर फेंक दी थी। हालांकि यह सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद हुआ था।